क्या कहना चाहेंगे? आप खुद नगर सेवक रह चुके हैं और आप गणेश नाइक के साथ भी रह चुके हैं, ये जो धांधली है वो आपको किस तरह से नजर आ रही है? आपको पर खुला एक तरह का है कि भाई ये जो पैरामीटर्स तय किए गए कि कहीं पर 21,000 की आबादी है, कहीं पर 27,000 है, तो कहीं 30,000 है, तो जब ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव कराने की सरकार की मंशा है तो फिर इतना पैरामीटर्स में इतना डिफरेंस क्यों है आबादी में? सबसे पहले तो एक बात, मैं TV1 का धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार की ओपन चर्चा करने का नियोजन आपने किया। हमारे मित्र रामचंद्र घरत जी ने बताया कि धांधली हुई है, मेरा इसके विपरीत कहना है कि आज यहाँ पर प्रशासक है, आज कमिश्नर नहीं है, आज यहाँ पर 2 साल से प्रशासक है। और मेरा 100% एक दावा है कि प्रशासक एक न्यूट्रलाइज प्रोसेस के माध्यम से इलेक्शन का प्रोसेस होती है। अगर जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि 21,000, 15,000, 14,000, 19,000 जो भी है, 21,000, 25,000, 27,000, 31,000, लेकिन मेरा उसके विपरीत कहना है कि मेरे हिसाब से 25,000 से लेके 30,000 के दरमियान पॉपुलेशन का रेशो रखा जाता है। उसमें 27,000, 30,000 का डिफरेंस 15-15% अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली आप काउंट फिगर पॉपुलेशन काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वोटर्स नहीं है, ये पॉपुलेशन है। वोटर की संख्या इसके बाद में होती है, पहले तो पॉपुलेशन के माध्यम से जो बाइफर्केशन ऑफ 122 वार्ड को पूरा डिवाइड करके जिस प्रकार से अभी 40 और 41 ऐसा जो रेशो आया है उसके माध्यम से ये 3-3 वार्ड के हिसाब से किया गया है। और उसमें आप देख सकते हो कि जब 25,000 से 27,000 अगर यही धांधली अगर इनका आरोप है तो मेरा तो दावा है कि इसके पहले जितनी बार इलेक्शन हुआ है तो किधर 2600 वोट के ऊपर, और जिधर 12,000 वोट है, 10,000 वोट है, 13,000 वोट है, और 23,000, 2300, 3600, 3500, 4200 ये वोट के मतदार संघ बने ही कैसे थे? इसका मतलब धांधली की शुरुआत किसने की? उधर इस वक्त तो उल्टा पारदर्शकता है कि आज 25,000 से समझो 25 में 2,000 ऊपर नीचे है, ना कि 10,000 का डिफरेंस नहीं है। और सबसे बड़ा है कि ये ज्योग्राफिकली काउंटिंग करके पॉपुलेशन का सर्वे करने के बाद में ये सब चीज़ें की गई है, और इसमें नियरेस्ट किसको काटना, किसको ये करना, वो तो जनता फाइनल करेगी। और ये विकास के बारे में जो बताया गया है, क्या यहाँ पर हमेशा से लेकर मैं 2000 में नगर सेवक बना वो टाइम से लेकर लास्ट तक यहाँ पर अघाड़ी सरकार का ये था, वहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस पक्ष के थे, उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी पक्ष के थे, और उनके माध्यम से पूरा विकास, क्योंकि आज आप भी जानते हो कि आज जो दावा ये करते हैं, जो भी दावा करते हैं, मैं कोई आमदार जो मंदाताई के बारे में मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत सारे इशू लिए, लेकिन उन्होंने अच्छे अच्छे जनहित में विषय लिए गए हैं, और उनको जो सैंक्शन करने की पावर है वो पालक मंत्री उद्धव साहब होंगे, अजीत दादा होंगे, दादा हैं, और मुख्यमंत्री साहब हैं, बालासाहेब थोरात साहब हैं। इन्होंने ना कि ये कोई पक्ष के लोगों के लिए समर्थन नहीं दिया है, वो विषय जो नवीन भाई के निगड़ित थे, आज अगर इतने सालों तक भी ये प्रलंबित प्रश्न थे तो क्यों प्रलंबित प्रश्न थे? मेरा तो ये दावा है कि सत्ता किसकी थी, किसके पास थी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। नवी मुंबई के लोगों को विकास होना चाहिए, और विकास अगर प्रलंबित थे तो वो क्यों प्रलंबित थे? और आज सैंक्शन करने के वक्त आज यहाँ पे सरकार में कौन बैठा है? कोई व्यक्तिगत इंसान कोई चीज पास नहीं कर सकता है अनलेस अंटिल कैबिनेट की मान्यता हो। कैबिनेट ने हमेशा लोगों के हित में चाहा है, और यहाँ के आमदार कौन है वो उसकी तरफ नहीं देखा गया है। लोगों के हित में क्या होना चाहिए उसका डिसीजन लेने का काम और काम फिर महाविकास आघाड़ी ने किया है। और ये मूल तो ये शहर की वसाती यहाँ पर जो प्रकल्पग्रस्त हो या जो नवी मुंबई शहर का नियोजन करने का काम यशवंत चौहान साहब के बाद में यहाँ पर हमारे सन्मान्य सर्वे सर्वा राष्ट्रवादी पक्ष के सन्मान्य शरद जी पवार साहब ने इसका नियोजन किया था, और हर शेतकरी को हर घटक को उसका न्याय मिले ये भूमिका भी आज तक उनकी ही थी, और आगे भी भविष्य में वही निर्णय पूरा करेंगे। मैं सिंधु साहब उनसे उनका आप उसके आपका जवाब चाहिए, उसके बाद मैं माने साहब के पास जाऊंगा क्योंकि आपका बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ इनको कि अगर वो विषय होता तो आज महाविकास आघाड़ी का ही सरकार है, पवार साहब के नियंत्रण में ही उप मुख्यमंत्री अजीत दादा हो, मुख्यमंत्री साहब हैं, उद्धव साहब हैं, और बाला साहब थोरात हैं। आज फिर इस फटाफट क्यों रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट फास्ट पास हुए, क्यों आज पीएपी के लोगों को सैंक्शन हुए? पीएके आपको नहीं मालूम है तो देख लीजिए जाके MIDC में, बहुत सारे जो प्रलंबित प्रश्न थे पीएपी के प्लॉट के बारे में लोगों को दिए गए हैं, और अलॉटमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है। और मच्छीमारों के बारे में जो मंदाताई ने जो विषय लिया है, आखिर हर चीज घूम के कैबिनेट से आती है, अगर वो उद्देश्य अगर होता तो लोगों के काम नहीं होते थे। और सबसे पहला विषय है कि मुझे नहीं लगता है
कि 15 साल में पूरे हिंदुस्तान में एक में नवी मुंबई शहर ऐसा था कि जहाँ पर पूरी पावर उस वक्त के नेता को दी गई थी और साहब ने उनके माध्यम से जो जो अच्छे काम किए थे उस वक्त वो सब राष्ट्रवादी और आघाड़ी सरकार के माध्यम से थे। वो आघाड़ी सरकार के पालक मंत्री थे, यहाँ के मंत्री महोदय थे, यहाँ का मेयर आघाड़ी सरकार का था, यहाँ के जो भी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, यहाँ के खासदार उस वक्त में यहाँ पर थे, तो उन्होंने जो भी माध्यम से काम किए गए थे वही थे। और अभी जो मंदाताई जो काम कर रही है, मंदाताई इसके पहले भी अगर वो विषय होता तो 15 साल से आमदार कौन थे? मंदाताई तो पहली बार आमदार राष्ट्रवादी से हुई थी, फिर बाद में भाजपा से हुई, लेकिन उनका काम करने का तरीका अच्छा है, उन्होंने कभी भी कोई चीज़ का ईगो नहीं किया है। पार्टी इलेक्शन में वो भले आमदार भाजपा की हो, लेकिन आज लोगों के हित में आज वो सरकार के कोई भी मंत्री के पास वो जाकर आज काम करती है। तो मतलब मैं मंदाताई का आभार मानता हूँ एक नागरिक बोल के, एक आमदार बोल के, कि पक्ष विरहित काम करना अगर चाहिए तो सबसे पहले तो आज क्यों काम हो रहे हैं? अगर आज काम अटकाना होता तो आज भाजपा के आमदार है काम ही नहीं करते थे। सरकार का उद्देश्य हमेशा पारदर्शक रहा है और आप सबको न्याय, आप कौन सी पार्टी उस वक्त जो पार्टी में थे आपके विपरीत वो पार्टी में थे। अगर काम उस वक्त यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर वन मैन डिसीजन लेने का अधिकार पूरे महाराष्ट्र में था तो उस वक्त ये मंत्री महोदय को था। तो आप क्या, आप गणेश राय की भूमिका को आप कैसे नकार सकते हैं? क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा कहा जा सकता मैंने है? तो मैंने, सरकार ने किया तो अगर मैंने, मैंने, अगर मैंने अगर यहाँ की थोड़ी देर पहले मेरी स्टेटमेंट आपने सुनी होगी तो नवी मुंबई का विकास में जो मंत्री महोदय ने काम किया था उस वक्त वो आघाड़ी सरकार के मंत्री थे, इंडिविजुअल कोई अपक्ष या कोई चीज के मंत्री नहीं थे। और उद्देश्य ये मेरा क्या कहना है आप नहीं समझ रहे हो अभी तक। जिस वक्त आघाड़ी सरकार थी, महाविकास आघाड़ी है, उस वक्त भी उनका काम लोगों के हित में करने का उद्देश्य था, ना कि कोई इंडिविजुअल एक फैकल्टी का काम नहीं करना था। अगर वही उद्देश्य होता था आज भी वही साहब है, पावर साहब के नियंत्रण है, उद्धव साहब है, भले ही उद्धव साहब उस वक्त युति में थे, लेकिन आज यहाँ के सर्वे सर्वा है महाराष्ट्र के। तो ये तीनों घटक का एक ही विषय है कि यहाँ पर निर्णय और लोगों के हित में निर्णय होना चाहिए। आमदार कौन से पार्टी का वो नहीं है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैबिनेट मिनिस्ट्री की है, राज्य शासन की है। उस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय लोगों के हित में लिए हैं, ना कि व्यक्ति के हित में। अगर व्यक्ति के हित में होता तो विषय होता ही नहीं था। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।